पलामू में लगातार वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य कर रही है और यही वजह है कि बीते 28 मई और 29 मई को विशेष ड्राइव चलाकर सभी पंचायतों में वैक्सीनेशन केंद्र खोलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराया गया। वहीं पलामू में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया है, जो कि गली और मोहल्लों में जाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेट करेगा। वहीं जिला के उपायुक्त शशि रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द गांव-गांव तक लोगों को टीका दिया जाए, इसे लेकर पंचायत प्रतिनिधियों से मदद ली जा रही है। सेकेंड डोज के लिए हम लोगों ने ड्राइव चलाया 28 और 29 और आगे भी चलेगा, तो इसमें काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और हम लोगों ने जो जितने हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, राशन डीलर हैं और अन्य जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे अपील किया है कि वो लोगों को जागरूक करें। हमारे जो सेविका सहायिका और जो फील्ड ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, हम लोग सब कोई लगे हुए हैं। अभी भी हमारे ज़िले के सभी जो वरीय पदाधिकारी फील्ड में हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आने वाले जो हम लोग जो ड्राइव चलाने वाले हैं, मंडे से भी एक सप्ताह का ड्राइव चलेगा फर्स्ट डोज के लिए, तो लोग काफ़ी संख्या में बाहर निकल कर आएंगे और मंडे से हम लोग मोबाइल वैक्सीनेशन भी शुरू करेंगे। मोबाइल वैन रहेगा जो मोहल्ले और टोले में जाकर लोगों का वैक्सीन करेगी। तो ये हम लोग का पूरा प्रयास है, पलामू जिला प्रशासन का, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें और वैक्सीन ज़रूर लें, क्योंकि अभी कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र दवाई है।